नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट समाचार में। एक बार फिर इस समय हम शिवपुरी के सिद्धेश्वर कॉलोनी में मौजूद हैं और हमारे साथ देश के सबसे यंगेस्ट अधिकारी, जिनका हाल ही में यूपीएससी से सिलेक्शन हुआ है, आईईएस अधिकारी बने हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर इन्होंने ये मुकाम कैसे पाया। सबसे पहले तो सारांश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट समाचार में। थैंक यू। पूरा माहौल कैसे बना कि आपने यूपीएससी की तैयारी की? सबसे मतलब पूरी जर्नी आपकी हम जानना चाहेंगे शॉर्ट में, कि कहाँ कहाँ से आपने पढ़ाई की और कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने आईटीआई की, फिर आईटीआई से आपका यूपीएससी तक का सफ़र। जी, पहले तो 11th और 12th क्लास में मैंने शिवपुरी से ही इंडक्टेंस से आईआईटी जेई की तैयारी की थी, और मेरा 12th के साथ आईआईटी बीएचयू वाराणसी में सिविल इंजीनियरिंग में मैं चला गया था। और फिर उसके बाद जैसे कोविड आया तो हम लोग घर आ चुके थे। उस टाइम पे ऑनलाइन एरा आया पढ़ाई का, जैसे कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने ऑनलाइन पढ़ाना भी स्टार्ट किया। वहाँ से मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और उसके साथ उसकी मदद से मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट की। एंड रिगार्डिंग मेरे को आइडिया कहाँ से आया, और 2017 में ऑल इंडिया रिंग वन आए थे नमित जैन भैया, ही वॉज फ्रॉम शिवपुरी फ्रॉम द सेम स्कूल सेंट चार्ल्स, सो डेट्स द सोर्स फ्रॉम वेयर आई थॉट की मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करूँगा। अच्छा, ये जो आपका सफ़र रहा अभी तक का, आपने लगातार आईटीआई के बाद में और यूपीएससी के बीच में कितने लंबा सफ़र रहा दोनों के बीच में? जी, जैसे मैं कॉलेज पहुंच चुका था आईआईटी बीएचयू 2019 में, बट उनका 4 ईयर का बीटेक होता है, तो 2023 में मैं पास आउट हुआ हूँ। एंड इस बार भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्लियर हो गया है, सो गैप नहीं रहा। अच्छा, कुछ अनसॉल्व्ड पेपर वगैरह भी आपने यूपीएससी के कुछ इस तरीके से अगर स्टडी की हो? यस, एक्चुअली ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम फ्रॉम द पास्ट 27 ईयर्स हो रहा है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज होता है, जिस वजह से मैंने लास्ट 25 ईयर्स के ही पूरे प्रीवियस ईयर कंप्लीट किए थे, सो दैट वाज समथिंग व्हिच आई थिंक कि हेल्प्ड मी सिक्योर सच गुड रैंक। अच्छा, देश के आपको यंगेस्ट एक आईएएस अधिकारी माना जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कहानी है, किस तरीके से ये रहा? जी, एक्चुअली इस ईयर के जितने भी लोग जो सिलेक्ट हुए हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में, उसमें जो मेरा जो एज है वो सबसे कम है। और जैसे मुझे अभी भी याद है यूपीएससी का जो मेरा इंटरव्यू था शुरू में, जब माहौल बहुत टेंस होता है, सो जस्ट टू ईज इट आउट जो चेयरमैन सर हैं उन्होंने भी मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल बनाया, सेइंग इट डोंट वरी, इट्स यू आर द यंगेस्ट एस्पिरेंट, सो जस्ट रिलैक्स एंड लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। अच्छा, जो युवा अभी तैयार कर रहे हैं, छात्र छात्राएं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे कि किस तरीके से वो अपनी तैयारी करें, किस तरीके से प्रिपेयर करें अपने आप को? इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए आई वुड से कि सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा है, देर आर 16 सब्जेक्ट्स इन सिविल इंजीनियरिंग, एंड कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि आउट ऑफ 1 लाख पीपल हु गिव द एग्जाम, जस्ट 200 या 215 पीपल ही सिलेक्ट हो रहे हैं, सो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते। सो माई ओनली सजेशन वुड बी टू स्टार्ट अर्ली, एंड जो क्योंकि मेजर प्रॉब्लम जो मैंने देखा है जिस वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं वो स्टूडेंट्स के, वो है क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। सिंस द सिलेबस इज वेरी लार्ज, आई वुड से कि आप जल्दी प्रिपेयर स्टार्ट करना शुरू कीजिए, सो थिंग्स विल हैपन आते टाइम। अच्छा, आईएएस अधिकारी आप बने हैं, ये आपका पहला अटेम्प्ट में शायद ये क्लियर हुआ है यूपीएससी का, तो आगे भी और राह चलना है कि आपको मंजिल मिल चुकी है कि यहीं पर आपके पैर थम जाएंगे? जी, मुझे नहीं लगता कि आई वुड से कि मैंने, हाँ मैंने ड्रीम किया था कि टू बी एन आईएएस ऑफिसर एंड बी अ पार्ट ऑफ सीपीडब्ल्यूडी, बट एज फार एज आई सी, जैसे भी मेरे सीनियर से भी बात होती है, टीचर से भी, देर आर हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आप एक बार ऑफिसर बन जाते हैं, सो जैसे मैं सीपीडब्ल्यूडी में जाऊँगा हैविंग सच बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रति मेरा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा अगर मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ। सो पैर थमना तो इट्स नॉट पॉसिबल, एंड आई थिंक कि मैं ऐसे ही कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करूँ बहुत बड़ा इंडिया के लिए, जैसे ई श्रीधरन सर हैं, हु इज नोन एज द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा करूं, सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, एक सवाल और, एक आप ये पूरी सफलता का श्रेय कैसे देना चाहेंगे? आपने तो मेहनत की है, आपको तो बनता ही है, हमारी तरफ से भी आपको फास्ट समाचार की टीम की तरफ से भी बधाई हम देते हैं आपको, आपके अलावा आप और किसे श्रेय देना चाहेंगे कि आपने ये सफलता हासिल की है? पहला सवाल इसी में, दूसरा सवाल और करता हूँ मैं आपसे कि आपकी फैमिली का संक्षिप्त विवरण थोड़ा सा भी आप दें, दोनों चीज़ें बताएं। जी,
जी पहला तो कि मैं इस मेरा जो सिलेक्शन है, हाँ मेरा रोल रहेगा बट उससे ज़्यादा बड़ा रोल मेरे कुछ दोस्तों का रहा है जो हमेशा से मेरे सपोर्ट में रहे हैं। कि देखो एक बहुत टफ जर्नी है और हमेशा आपको कहीं भी ना कभी कॉन्फिडेंस लूज होता रहता है, सो देयर शुड बी अ फ्रेंड जो आपको हमेशा ऐसे करता रहे। सेकेंडली मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन जो जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है इन टर्म्स ऑफ अश्योरिंग मी कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, तुम काबिल हो इस चीज़ को करने के लिए। और एक चीज़ और जो मैं कहना चाहूँगा, मेरे घर का जो माहौल है फॉर अलाउइंग मी टू स्टडी बहुत शांत, मतलब शांति से और बहुत अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट रहता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इस रीज़न से मेरा IIT JEE भी मैंने यहीं से प्रेपर किया था और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी मेरा यहीं से सिलेक्शन हुआ। जो मेजरली लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं कि घर से पढ़ाई नहीं होती, लोग जो कहते हैं, आई वुड से कि मेरा माँ बाप का और जो मेरे भाई बहन सब लोगों का इस चीज़ में बहुत बड़ा रोल रहा है। एंड मेरे जो घर का संक्षिप्त, मेरे पापा श्री संजीव सेठ जी मेरे पापा हैं और वो ग्राम पंचायत पिछोड़ में से सेक्रेटरी हैं। और मेरी माता जी मतलब शोभा सेठ नाम है। मेरा बड़ा भाई है जो उनका नाम सत्यम गुप्ता है, वो असिस्टेंट मैनेजर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और मेरी बड़ी बहन है सुरभि गुप्ता, वो असिस्टेंट मैनेजर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। सो हम पांच लोगों की फैमिली है। तो ये थे हमारे साथ सारांश गुप्ता, जो इस बार इस साल के देश के सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के IAS अधिकारी बने हैं। इन्होंने बताया कि अभी इनके पैर थमेंगे नहीं, डगमगाएंगे नहीं, ये तो इनकी पहली जर्नी है जो इनको पहले अटेम्प्ट में ही मिल गई है और आगे भी इसी प्रकार का इनका सफ़र जारी रहेगा। तो आगे भी बनी रहिए फर्स्ट समाचार के साथ। धन्यवाद।